वोट एक्सप्रेस का काफिला पहुंच चुका है क्रांति की धरती मेरठ में, जहां 1857 की क्रांति का पहला बिगुल बजा था। आज जहां ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को लेकर बहुत ज्यादा मशहूर है, वहीं सांप्रदायिक तनाव भी यदाकदा मेरठ को चर्चा में लाता रहता है। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जो सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी एक अहम स्थान रखता है। दिल्ली से लगभग 72 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित मेरठ दो पवित्र नदियों गंगा और यमुना के दोआब में बसे होने के कारण वैदिक काल से ही ये क्षेत्र लगभग हर चीज के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। जानकारी की माने तो मेरठ का नाम संभवतः मय राष्ट्र से विकसित है, यानी मय का प्रदेश। बता दें कि हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मय असुरों का राजा था, जिनकी बेटी मंदोदरी दशानन रावण की पत्नी थी, जैसा कि रामायण में वर्णित है। इस क्षेत्र का जिक्र महाभारत काल में भी है और पुरातात्विक खुदाई से ज्ञात जानकारी के मुताबिक यह क्षेत्र हस्तिनापुर का भाग था, जो कौरवों की राजधानी थी। इसके बाद 19वीं सदी में अंग्रेजों के सत्तासीन होने के बाद मेरठ सेना का एक बड़ा केंद्र रहा। इसके अलावा आजादी की लड़ाई में भी इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे क्षेत्र की चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने लगी और वो समय था 1857 का विद्रोह। मेरठ छावनी ही वो स्थान है जहां 1857 में आजादी की चिंगारी भड़की थी। मेरठ से शुरू हुई चिंगारी शीघ्र ही पूरे देश में ज्वाला के रूप में फैल गई, जो बाद में स्वाधीनता के राष्ट्र संघर्ष का रूप ले ली, जिसका नतीजा ये हुआ कि आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन संग्राम की इस धरती पर आज भी कई बुनियादी सुविधाओं की कमी है। और अब चुनाव होने हैं तो हर सियासी दल अपने अपने लोक लुभावने वादे से लोगों का वोट हासिल करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन वाकई में जनता क्या सोचती है, ये आप तक पहुंचाने के लिए हमारी वोट एक्सप्रेस जब मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पहुंची, तो वहां के छात्रों ने क्या कहा, ये सुनिए। हम इस वक्त मौजूद है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में और यहाँ से हम अपने वोट एक्सप्रेस की शुरुआत कर रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि मेरठ में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनने जा रहा है। सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे भाई साहब, क्या सबसे बड़ा मुद्दा मेरठ में इस बार विधानसभा चुनाव में बनने जा रहा है? मेरठ में सबसे पहले एक तो एक लाइट 24 घंटे होनी चाहिए। यहाँ पर लाइट जो दिन में 2-4 घंटे आती है वो 24 घंटे होनी चाहिए सबसे पहले जनता के लिए, और बच्चों की जो फीस वगैरह ये माफ़ होनी चाहिए, फ्री में होनी चाहिए पढ़ाई बिल्कुल। सड़कें वगैरह ठीक करानी चाहिए, रोड की बहुत कंडीशन खराब है यहाँ पे। कानून व्यवस्था की स्थिति कही जाती है, बहुत हंगामा होता है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और महिलाओं के लिए खास तौर से ठीक नहीं है, उसको कभी आपने महसूस किया, आपको लगता है कि नहीं इसके लिए कुछ ऐसा नेता चुनाव जीतना चाहिए जो इन कानून व्यवस्था को ठीक करे? यस ऑफ कोर्स, इसके लिए तो सबसे पहले कदम उठाना चाहिए, बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। इस समय के जो आंकड़े लग रहे हैं तो जाति और धर्म का ही लग रहा है कि यही इस मुद्दा बनने जा रहा है। क्या सबसे बड़ा मुद्दा मेरठ में विधानसभा चुनाव में क्या बनने जा रहा है? स्थिति जो है वो, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक जो है मुख्यमंत्री पद का जो है कोई भी चेहरा जो है हमारे सामने पेश नहीं कर रखा है, तो बीजेपी की स्थिति इस समय जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई साफ स्थिति में नहीं है। और समाजवादी पार्टी का एक चेहरा जो अखिलेश यादव जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी जिसे सभी सपोर्ट कर रहे हैं, और उस चेहरे को जो है यहाँ पर भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा लाइक किया जा रहा है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा काफी अच्छी स्थिति में इस समय स्थिति में है। और भी तमाम लोगों से हमारी बातचीत अभी जारी रहेगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से वोट एक्सप्रेस जारी है, हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। चुनाव फिर से आने वाले हैं, युवा है आप लोग, पढ़ाई आपकी चल रही है, क्या सबसे बड़ा एजेंडा होगा जब आप लोग वोट डालने जाएंगे? सर सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए कि बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए, नई नई स्कीम्स अप्लाई करनी चाहिए ताकि सर पढ़ाई को बढ़ावा मिले बजाय गुंडागर्दी और इसे। क्या सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा आपके लिहाज से होना चाहिए? जी सर, जो उन्होंने मोदी जी ने जो काम किया है डिमोनेटाइजेशन, जो उन्होंने नोटबंदी करी है वो बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया, उससे उनको काफ़ी फायदा होगा और बीजेपी को जीतना चाहिए अगर हमें उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करना है तो बीजेपी को जीतना चाहिए। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? जी शिक्षक विभाग डेवलप होना चाहिए सबसे पहले, और जहाँ तक उम्मीद है बीजेपी जीतनी चाहिए वो डेवलप कर सकती है। इस बार मोदी सरकार को भी आना चाहिए जो कि हमारे उत्तर प्रदेश को अच्छा बना चुके हैं,
और भी अच्छा बना, ज्यादा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा विकास होना चाहिए, विकास हो और दूसरा कि हमें डेवलपमेंट हो, दूसरा कि हमें रोजगार हो, बच्चों के लिए एजुकेशन हो मस्ट होना चाहिए। यहाँ जाति की राजनीति ना होकर के विकास की राजनीति हो, रोजगार की राजनीति हो। हम लोगों के लॉ एंड ऑर्डर जो यहाँ हमने देखा 5 साल में यूपी में जिस तरह का रहा है लॉ एंड ऑर्डर, वो बिल्कुल एक तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त रही यूपी में। तो हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था सही रहे, रोजगार मिले, विकास हो, ये धर्म जाति की राजनीति ना हो करके डेवलप की राजनीति हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में वोट एक्सप्रेस हमारा जारी है, हम इन तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है आपके हिसाब से? मुद्दा है विकास, विकास कौन कितना कर रहा है और क्या हो रहा है वो सबको दिख रहा है। हालांकि जैसे देख रहे हैं कि आजकल समाजवादी में गुटबाजी भी हो रही है और एक तरफ बीजेपी है, मोदी जी हैं, नोटबंदी भी की है, लेकिन वोटर्स पागल नहीं है, वो देखेगा कि विकास क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, अपने हिसाब से सब अच्छा करेंगे। तो विकास के मायने क्या है, मतलब विकास क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, विकास के लिए क्या करना चाहिए जो भी जीते? विकास होना चाहिए कि जिसका फ़ायदा लोगों तक हो और बेनिफिट मतलब मिलना चाहिए वोटर्स को। ये नहीं है कि कह दिया कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन पर क्या हो रहा है, एक होता है आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है, बोलते हैं कि मैं हम ये करेंगे करेंगे, करना और होना दोनों एक अलग बात है। जो कर रहा है उसका देखेंगे लोग, और जो नहीं कर रहा है वो सब वोटर्स अपने मन में बनाए बैठा है, वोटर्स बनाए बैठा है, यानी देखेगा वोटर्स कि कौन कह रहा है और कौन कर भी रहा है कहने के साथ साथ। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है? मैं मानता हूँ कि शिक्षा को विकास का मुद्दा बनाना चाहिए। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें एक शिक्षाविता कह रहे थे कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान चर्चिल एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने विश्व युद्ध होने के बाद भी शिक्षा पर कोई भी धन में कटौती नहीं करी थी। मैं चाहता हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन खास तौर पर पूर्वांचली जो हैं, जो पूर्वांचली प्रदेश हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो शिक्षा की वजह से पिछड़ रहे हैं। टेक्निकल शिक्षा अनिवार्य रूप से आनी चाहिए और जो विद्यालय हैं उन्हें और बेहतर बनाया जाना चाहिए। और कंप्यूटरीकृत तो आपने कर दिया, लेकिन कंप्यूटर के शिक्षक तो ज़्यादा है नहीं। आप टेक्निकल एजुकेशन के लिए अच्छे टीचर्स हों और शिक्षा बेहतर हो, टेक्निकल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। आपके हिसाब से विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार मेरठ में? जी, चुनाव का मुद्दा तो हर साल हर कई पार्टी आती है, जब चुनाव हर 5 साल बाद आते हैं लोग ये कहते हैं कि हम अपने एजेंडाज ये लाएंगे, हमारे मुद्दे ये होंगे, पर वही बात होती है कि मुद्दे सब बताना जानते हैं, करना कोई नहीं चाहता। मैं हर जगह देखा है, मैंने बहुत जगह एनालाइज किया है कि आदमी कोई नेता कुछ कह देता है, कोई नेता कुछ कह देता है कि हाँ जी हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, हम आपके लिए करेंगे, आधी ज़्यादा जो आप कहते हैं नॉर्मल डिफेंस की हैं या फिर कुछ इनकी नौकरियां हैं, नौकरियों पर रोक लगाई जाती है। आप ऐसे काम ही ना करिए कि उन चीज़ों पर रोक लगाई जाए। आप पहले ही सिस्टमेटिक, अभी नोटबंदी का जैसा अब चल रहा है, बहुत लोगों ने कहा कि जी हम मोदी जी बहुत बुरे हैं, मोदी जी ने हमें लाइनों में खड़ा करवा दिया, मोदी जी करते हैं, पर किसी ने ये नहीं कहा कि डिजिटल इंडिया की तरफ कितना बड़ा कदम दिया है उस मोदी ने या हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पर नहीं समझ सकते लोग। अब हम यही चाहेंगे कि लोगों को थोड़ा सा अपनी सोच विचार बदलने की कोशिश है, सोच विचार बदलने की जरूरत है। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है? मेरे विचार से अब आने वाला मुद्दा विकास को लेके होना चाहिए चुनाव, वुमेन्स की सिक्योरिटी, सुरक्षा बहुत दिक्कत हो रही है वुमेन्स को यहाँ पे, और स्टडी को लेकर जो होना चाहिए यही आने वाला सुरक्षा मुद्दा। और स्टडी और एजुकेशन की बात हो रही है, आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा विधानसभा चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा जो है, अलग अलग पार्टी ने अपना अपना अलग अलग रिस्पॉन्स दे रही हैं। भाजपा का तो मेन मुद्दा यही है कि भ्रष्टाचार को कम करो, लेकिन भ्रष्टाचार से ज़्यादा जो समानता का भाव है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक भ्रष्ट मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, लेकिन जो असमानता वो सबसे बड़ी समस्या है। चाहे हम कितना ही प्रयास कर लें, लेकिन जब तक समानता का भाव राष्ट्र में नहीं आएगा, धर्म और जाति से ऊपर उठकर विश्वास नहीं किया जाएगा, तब तक ये देश विकासशील ही रहेगा। विकासशील ही रहेगा। तमाम लोग और भी हमारे साथ मौजूद है, आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है? देखिए, मेरे हिसाब से क्योंकि युवा है तो युवा की बेसिक जरूरत होती है उसका रोजगार। अगर रोजगार नहीं होगा तो युवा हथियार उठाएगा, अगर हथियार उठाएगा तो उसे अपराधी बना दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि किसी भी युवा के लिए उसका रोजगार बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा विषय जो हम बांटते हैं, हम जब चुनाव की बात करते हैं तो अभी गवर्नमेंट ने, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूं, विद्यार्थी हूं,
तो मेरा भी ये है कि जैसे विमुद्रीकरण हुआ, तो विमुद्रीकरण में गवर्नमेंट ने क्या कहा, टैक्सेशन तो बढ़ा दिया, टैक्सेशन किसके फेवर में जाएगा, पब्लिक के में या सरकार के में? आप सरकार के पब्लिक के पैसे की बात करते हो, खुद आरटीआई से बाहर जाते हो, ये भी एक विषय है। दूसरा, जब शिक्षा प्रणाली की बात आती है तो शिक्षा प्रणाली कौन सी होनी चाहिए, लाडमे काले की नीति होनी चाहिए जो जो चपरासी और क्लर्क बनाते हैं, या किसकी नीति होनी चाहिए? जब स्वामी विवेकानंद का देश कहा जाता है, सरदार भगत सिंह का देश कहा जाता है, तो फिर इंग्लैंड की शिक्षा नीति क्यों अप्लाई? तमाम चीजें कौन करेगा, कौन ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो लखनऊ में राज करनी चाहिए इन तमाम चीजों को ठीक करने के लिए? इस हिसाब में अगर मैं बात करूं शिक्षा नीति पे, तो समाजवादी पार्टी को मैं पसंद करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उस काम को नहीं कर सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय दल को अपनी मजबूती दिखानी होगी सेंट्रल के लिए। सपा में तो दो गुट हो गए, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, पार्टी नेता जी की है, अखिलेश जी तो उनके अनुयायी हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो मीडिया कहती है। अखिलेश जी ने चुनाव आयोग में हलफनामा दे दिया है और चुनाव चिन्ह पे दावा जता दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे अपने आप को, अब तो ये क्लियर कट हो गया, अगर दोनों अलग होते हैं तो किसके साथ जाएंगे? मुलायम सिंह के साथ जाएंगे, असली समाजवादी मुलायम सिंह है, वो तो उनकी संतान है, जैसे मैं संतान हूँ वैसे अखिलेश जी संतान है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दुर्गा भाभी छात्रावास के सामने हम लोग खड़े हैं। आजादी के आंदोलन में दुर्गा भाभी की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता, और हमारे साथ इसी हॉस्टल में रहने वाली कुछ छात्राएं मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि इनके लिए चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, चुनाव आने वाले विधानसभा के सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि सुरक्षा व्यवस्था मेन मुद्दा है इस समय। आपके हिसाब से चुनाव में क्या सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है? हमारे नेता को सबके बारे में सोचना चाहिए, हर चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो, सबके बारे में सोचना चाहिए। गर्ल्स को उन एजुकेशन के लिए एम्पावरमेंट बढ़ाना चाहिए, सबको अवेयर करना चाहिए, और सबको जो सबका राइट है वो सबको मिलना चाहिए। एक बात मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाए, ये दुर्गा भाभी हॉस्टल के बाहर सेव द गर्ल चाइल्ड, ये एक बड़ा इशू है, और खास तौर से बहुत ज़्यादा जो हाईली एजुकेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है कि गर्ल चाइल्ड को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता, तो ये एक बड़ा इशू है। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो भी पार्टी हो, जो भी लीडर हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन करने वाले हो, वे किसी एक धर्म के एक कास्ट को सपोर्ट ना करें। जो सपोर्ट कर रहा हो वो हर एक सोसाइटी को सबको इक्वल मान के करे। अगर हम किसी धर्म को या किसी जाति को एक मान के करेंगे तो हमारा देश कभी आगे विकास नहीं कर सकता। दूसरी बात, एजुकेशन सिर्फ ना कि गर्ल्स के लिए, हर एक इंसान के लिए, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आगे हमारी सोसाइटी का, हमारे देश का विकास कर सकती है। एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए जाते हैं, क्या वे पढ़ने लायक हैं बच्चों के? आप एक बार जाके देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स बना तो देते हैं एजुकेशन स्कूल, क्या जाके कोई देखता है अपने बच्चों को पढ़ाता है वहाँ पे? क्यों नहीं पढ़ाता? तुमने स्कूल बनाया तो तुम भी तो पढ़ाओ ना अपने बच्चों को। तो सबसे पहले अगर गवर्नमेंट स्कूल बनाए हैं तो वे इस लायक तो हो कि वहाँ पे एक स्टैंडर्ड एजुकेशन दी जाए, तो उस वो एक हो सकता है, और हर एक लेवल पे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाए। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाए, एजुकेशन की बात कही जा रही है, और सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है भी, कम से कम जो सरकारी इंस्टीट्यूट है उसकी क्वालिटी को तो सुधारा जाए कम से कम। तो ये छात्राओं की आवाज़ है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। हमारी वोट एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई अब आकर रुकी मेरठ के चर्चित हाशिमपुरा इलाके में। ये वही इलाका है जहां आज से करीब 30 साल पहले भीषण नरसंहार हुआ था, जिसमें एक ही समुदाय के दर्जनों लोगों की हत्या कर दी गई थी। और जब हमारी वोट एक्सप्रेस यहां पहुंची तो यहां के लोगों ने अब की बार के चुनावी मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए। हम इस वक्त मौजूद है मेरठ के चर्चित हाशिमपुरा इलाके में, और यहाँ हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनावी मिजाज जो है वो क्या होने वाला है यहाँ के लोगों का। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वोट डालने आप जाएंगे जी, क्या मुद्दा सबसे ज्यादा दिमाग में होगा और किसको वोट डालेंगे? ज्यादातर मुद्दा तो अखिलेश की तरफ किया जी, फिर जो पार्टी बदलते हैं फिर कुछ और करेंगे जी। चुनाव में मुद्दा सबसे बड़ा यही होगा कि नोटबंदी का मसला सामने आएगा। नोटबंदी की वजह से छोटे लोग, मतलब हमारी परचून की दुकान मेरी है और मैं वैसे भी आबाज हूँ, उसके अलावा 80 साल की मेरी उम्र है, लेकिन इससे पहले कभी कोई समस्या ऐसी नहीं आई है। नोटबंदी से हम लोगों को, छोटे गरीब लोगों को बहुत समस्या आया। नोटबंदी से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन ये जो लखनऊ का चुनाव है, लखनऊ में राज कौन करेगा उसका चुनाव है, तो आपके लिहाज से कौन बेहतर
नेता है जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाना चाहिए, और आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में वोट देंगे? देखो जी, हम तो मुलायम सिंह के साथ रहे हमेशा, क्योंकि मुलायम सिंह ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, हाईवे बनवाया है, सड़कें बनवाई हैं, और जो भी मुद्दे हमारे यूपी के थे, हम भी अगर चले गए हैं वहाँ के साथ, ऐसी बात है तो हमारी बात को माना गया है, स्वीकार करके हमें सुविधा दी गई है। लेकिन आप तो मुलायम और अखिलेश दोनों के बीच में, बाप बेटे के बीच में तलवारें खींच गई है, दोनों कह रहे हैं कि मैं 403 उम्मीदवार उतारूंगा, दोनों ही अलग थलग पड़े, तो ऐसे अगर दोनों अलग हो जाते हैं तो किसका साथ देंगे आप? हाँ, तो मुश्किल है जी, फिर तो किसी और के साथ देना पड़ेगा, चाहे उसमें मायावती आ जाए। मतलब मायावती के पक्ष में? जी, मायावती के पक्ष में हो या बीजेपी के पक्ष में हो। तो नोटबंदी से परेशान है फिर भी बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे आप लोग? करेंगे, वो तो करनी पड़ेगी जब। तो आप लोग भी अब लाइन में लगने वाले हो ईवीएम का बटन दबाने के लिए, तो फायदा किसको होगा? फायदा इस टाइम तो मैं समझता हूँ बीजेपी है, कांग्रेस है, और अखिलेश अगर मुलायम सिंह एक पड़ गए तो अखिलेश के अलावा किसी को वोट नहीं जाएगी। और दोनों अलग हो गए तो? अलग अलग हो गए तो भी अखिलेश को ज्यादा पड़ेगी। आपके लिहाज से चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा कारोबार का है, नोटबंदी की वजह से कारोबार बहुत खत्म हुए हैं, हर गरीब आदमी पिस रहा है, आज तक पिस रहा है, अभी हालात अच्छे नहीं, यही मुद्दा रहेगा, इसके एवज में अखिलेश के साथ ही ज्यादा रहेंगे। मेरठ को भारत का खेल नगर भी कहते हैं, जिसका मुख्य कारण यहाँ पर विशाल खेल उद्योग का होना है। और जब हाशिमपुरा इलाके से निकलकर हमारी वोट एक्सप्रेस यहाँ पहुँची तो प्रदेश समेत देश को खेल का सामान उपलब्ध करवाने वाले व्यापारी भी अपनी आवाज हमारी वोट एक्सप्रेस के जरिए आप तक पहुँचाने के लिए हमारी वोट में सवार हो गए। सुनिए उन्होंने अब की बार के चुनावी मुद्दे पर क्या कहा। मेरठ की एक सबसे बड़ी पहचान स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री भी है, यानी खेल कूद का सामान बनाने की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, फेमस इंडस्ट्री है। और हम इस वक्त खड़े हैं सूरज कुंड रोड पर, मेरठ का ये सूरज कुंड रोड है, और तमाम यहाँ खेल कूद के जो सामान बनते हैं उनकी बिक्री होती है, और बहुत ही फेमस ये कहा जाता है कि मेरठ की एक पहचान ये भी है। तो यहाँ भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव का क्या मुद्दा बनने जा रहा है, यहाँ भी लोगों से बात करेंगे। बाबा, कैसा धंधा, कैसा चल रहा है? ठीक है, मीडियम है। मीडियम क्या, नोटबंदी का कुछ असर है या सब ठीक हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है? अब तो नॉर्मल हो गया, पहले था बंद, दो महीने परेशानी रही। आपके हिसाब से आप जो वोट दोगे तो क्या सोचकर वोट दोगे? हम तो मोदी जी को वोट देंगे क्योंकि उन्होंने सुधार के लिए किया है ये कार्यक्रम। मोदी जी को वोट देंगे क्योंकि सुधार के लिए उन्होंने कार्यक्रम किया है। और ये तमाम चीजें आप देखिए किस तरह से, जो बैट है और ये सब चीजें जो बन रही है यहाँ पे, बाकायदा ये खेल कूद का पूरा सामान है जो यहाँ पर बनता है और यहाँ से सप्लाई किया जाता है, विदेशों में भी भेजा जाता है। और ये छोटे जो खेल कूद के सामान है, ये छोटा बैट है जो बच्चों का पूरा पैक किया जा रहा है, और ये पूरा पैक करके इसको भेजा जाएगा अलग अलग शहरों में, और यहाँ तक कि विदेशों में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये तमाम इंडस्ट्री है यहाँ पर। हम और भी लोगों से यहाँ बात करेंगे, और भी दुकानदारों के पास जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिहाज से क्या यहाँ का चुनावी मुद्दा हो सकता है और किस तरह से यहाँ पर इंडस्ट्री चल रही है। बाबा, कैसा धंधा, कैसा चल रहा है अभी? ठीक चल रहा है, पहले से हल्का हो गया काम काफ़ी, क्योंकि नोटबंदी की वजह से ना लोगों का पैसा ही नहीं होता है, और 2000 का नोट तोड़ाते हैं तो उनके चेंज वापस देने के लिए नहीं होती, और मशीनें काम नहीं कर रही हैं। अब सवेरे से जो है कल से बिजली भी नहीं आ रही थी, अब दोनों फोन डेड पड़े हुए हैं, अब काम कैसे करें, बहुत तकलीफ है इस समय काम करना। आपके लिहाज से जो चुनाव आने वाले हैं इसका सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या होगा? इस बार अब मुद्दा तो ये नोटों का तो होगा ही होगा मुद्दा, ये तो एक हिस्टोरिकल है जी, ये जो है ना एक ऐतिहासिक घटना है। स्पोर्ट्स गुड्स का कारोबार करने वाले तमाम लोग ये मान रहे हैं कि धंधा मंदा तो हुआ है। हमें ऐसे में एक शोरूम नज़र आया जहाँ पे बाकायदा ये लगा हुआ है कि आप पेटीएम से भुगतान करें, और इसके ठीक नीचे उन्होंने बाकायदा ये लगा रखा है कि वो कार्ड्स को भी एक्सेप्टेड कर रहे हैं, यानी पेटीएम से भुगतान करें या कार्ड से भुगतान करें, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात कही जा रही है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ असर पड़ा है और क्या मुद्दा इस समय चुनाव का सबसे बड़ा हो सकता है, इनसे बात करेंगे। धंधा कैसा चल रहा है ये जो नोटबंदी के बाद? कुछ दिन तो खराब रहा, ठीक नहीं रहा, लेकिन अब ठीक है, नॉर्मल है। उस टाइम थोड़ी सी समस्या कैश को लेकर आई, क्योंकि कैश रोटेशन में नहीं था, बाकी अभी तो ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। बताओ रे कारोबारी, चूंकि आप इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ के नब्स भी आप जानते होंगे, अगर मैं कहूँ पूछूँ कि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा, ऐसा क्या मुद्दा है जिसको लेकर लोग वोट डालने जाएंगे, और कौन सी पार्टी को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा?
देखिए चुनाव के लिए चूंकि मैं इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ सकता हूँ कि आज की जनता यही चाहती है कि उन्हें कुछ स्टेबल गवर्नमेंट मिले और जो ईमानदार हों, जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, वो ऐसे लोग आगे आए। और अब जैसे सजपा में आपस में दो गुटों में विवाद है, तो उसको लेके भी काफ़ी इस चीज़ का असर देखा जा सकता है वोटिंग पे। यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं, उनसे हम जानेंगे उनके लिहाज से सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या बन सकता है। आपसे जानना चाहेंगे मतलब सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार क्या होगा मेरठ में? मेरठ में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा जो मेन है रीज़न, जैसे कि नोटबंदी के कारण लोगों को, जो नीचे वर्ग के जो लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ी है। जो अमीर है वो आज भी अमीर ही हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ से लेके। जो लेबर क्लास है, मिडिल क्लास है, उन्हें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो मोदी जी ने जो करा है, जो टैक्सेस और यूपी को मेन जो चीज़ है वो किसानों के लिए, जो मोदी जी ने कुछ अभी तक नहीं दिया, जो किसानों ने सोचा था इस चीज़ के लिए कि मोदी जी कुछ भर के दे गए किसानों के लिए। और जब तक हमारे देश में खेती है, इसी फसल से हम लोग खाते पीते हैं, सब कुछ इसी से हमारे पास, और ये धीरे धीरे दिन पर दिन कम होती जा रही है, जिसकी वजह से लोग फेस कर रहे हैं, किसान आए दिन मरते जा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। जब हमारे पास खाने कुछ नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। एक बात अगर मैं कहूँ कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस समय आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से सही है कि लखनऊ में उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए? मेरे हिसाब से बसपा पार्टी, कि मायावती के राज के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो गुंडागर्दी कम हो जाती है, सेकंड थिंग ये है जितना भी जो नीचे वर्ग का लोग है उस पर काफ़ी फोकस रखते हैं मायावती जी। कौन सी पार्टी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर करेगी, जिसको चुनाव जीतना चाहिए यूपी में? सर हमारे हिसाब से तो बीजेपी बेटर है, और बीजेपी ने करके भी दिखाया है वो, लेकिन अब यूपी की सरकार है और ये पे जातिवाद का भी बहुत ज़्यादा है। मोदी जी को सपोर्ट करें, और ये विकेट है, क्रिकेट के गेम का एक नियम होता है कि अगर इसमें गेंद टच हो गई तो आप आउट हो जाते हैं, और कई बार हिट विकेट भी हो जाते हैं। तो नोटबंदी कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के लिए हिट विकेट जैसा हो जाए। और देखने वाली बात बड़ी दिलचस्प होगी कि कौन सी पार्टी किस पार्टी को आउट करती है, और क्या बीजेपी हिट विकेट होने से बच पाती है, नहीं बच पाती है। मेरठ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के कारोबार का भी एक गहरा रिश्ता है। हम इस वक्त मौजूद है जली कोठी रोड पर, और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान है, पूरी मार्केट ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की है, और यहाँ भी दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए, ताकि वो अपना रियाज कर सके, प्रैक्टिस कर सके, और ये तमाम चीज़ें हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। यहाँ पर क्या चुनावी मुद्दा है, नोटबंदी से क्या फ़र्क पड़ा है, और किन मुद्दों को लेकर ये लोग चुनाव में जाएंगे वोट करने के लिए, हमारे साथ दुकान के मालिक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, और कुछ लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या धंधा कैसा चल रहा है अभी? धंधा तो सर पूरा चौपड़ी है, दो तीन महीने से हम लोग तो वैसे घूमने फिरने में लगे, जब देखा ना कि क्या नाम है कारोबार नहीं चल रहा तो क्या करते, फिर घूमने फिरने लगे, ध्यान हटा दिया। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है पूरे एरिया में, सारे कारखाने बंद पड़े हुए हैं, सब करी करी सभी लोग इधर उधर बस घूम फिर रहे हैं, क्योंकि वो कारोबार है ही नहीं उनके पास। मैन्युफैक्चरिंग और जो होती है वही सामान बाहर जाता है, जब बनता ही नहीं है तो जाएगा क्या, पीछे से पैसा आता तो बनता, वो बन ही नहीं पा रहा इसी चक्कर में। अच्छा, जब चुनाव में आप लोग जाएंगे ईवीएम का बटन दबाने के लिए, वोट करने के लिए, तो क्या मुद्दा होगा जेहन में, क्या सोचकर वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, कैसा नेता चुनेंगे? भाई नेता तो ऐसे होने चाहिए जो सभी का साथ दे, लेकिन एक्चुअली मैं कला लाइन का आदमी हूँ, तो मैं तो कला की तरफ ही मेरा ज़्यादा रुझान है, उस तरफ ही ज़्यादा ध्यान है ना, तो देखेंगे जैसे भी माहौल चल रहा होगा, और जो भी कुछ कर सकता है इस मार्केट के लिए, हमारे मार्केट के लिए कुछ फ़ायदा देगा, वहीं बोल जाएगी, वोट तो देना ज़रूरी है, लेकिन देंगे उसे ही कि जिस जो भी नेता आएगा और हमें लगता है कि हमारे ब्रांड मार्केट में कुछ फ़ायदा पहुँचेगा। कुछ यहाँ पर कस्टमर भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे। जो तमाम चीज़ें कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की चुनाव की बात आ रही है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आपके लिहाज से कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी पार्टी साबित होगी? पार्टी तो सभी एक सी हैं, कोई अभी तक किसने फ़ायदा तो पहुँचाया नहीं है, लेकिन सपा थोड़ा सा फेवरेट मान रहे हैं क्योंकि वो अखिलेश की उसकी वजह से, और बसपा भी है जो मुसलमानों के लिए भला करेगी, हम तो उसके साथ हैं। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो यूपी के लिए बेहतर होगी? सपा है, समाजवादी पार्टी बेस्ट है, और काम बहुत करा है इस पार्टी ने, तो इसको ही समर्थन देंगे। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में क्या होगा? देखो जी, हम तो सबसे पहले उनका वेलकम करेंगे जो हमारे बाजार की तरफ ध्यान देगा, क्योंकि हमारा बाजार जो है इस वक्त जो है बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि हम लोग बड़े परेशान हैं,
कोई हमें सहूलियत नहीं है, बैंक में जाते हैं वहाँ परेशान। अगर पैसा हो जनता पे तो जनता यहाँ आएगी, हमारा सामान खरीदेगी। बाजार की बात करेगा तो ये तमाम लोग जो हैं ये नोटबंदी से परेशान है, नोटबंदी से परेशान है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट के ये तमाम कारोबारी है और इनका साफ साफ कहना है कि उसी का साथ देंगे जो हमारे कारोबार को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। मेरठ से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको एक और जिले की हकीकत से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आशीष सोनकर को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।